गाइज यार, पोको जो अपना पहला ईयरबड लॉन्च करने जा रहा है जो कि होने वाला है पोको बड्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले इसी ईयरबड के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों में से जो भी इस ईयरबड को खरीदने के बारे में सोच रहे हो यार, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, हो सकता है कि आपके पैसे बर्बाद हो जाएं, आपको पछतावा भी हो। तो दोस्तों, आइए यहां से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम बात करेंगे इस ईयरबड के कुछ फीचर्स की। तो यहां पर आपको जो 12 mm का ड्राइवर्स देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ हमें जो 30 hours का प्ले टाइम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर हमें 60 ms का लो लेटेंसी देखने को मिल जाता है, हालांकि लेटेंसी थोड़ा सा और कम होना चाहिए था। इसके अलावा यहां पर आपको जो IPX4 का वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको जो ब्लूटूथ 5.3 वर्जन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बिल्ट एंड डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको बिल्ट एंड डिजाइन देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ यहां पर आपको जो है ENC यानी कि एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि किनको ईयरबड खरीदना चाहिए और किनको नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, जिनको एक हाई प्रोफेशनल गेमिंग करना है उनके लिए ईयरबड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको जो है 60 ms का लेटेंसी देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों, हाँ, जिनको एक डिसेंट सा ईयरबड चाहिए और जिनको पोको से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, तो उनके लिए ईयरबड बेस्ट रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, इस ईयरबड का जो प्राइस रहने वाला है वो आपको जो है 1199 रुपये के प्राइस रेंज पर देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों, अगर आप इसे सस्ते प्राइस पर खरीदना चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर लेटेस्ट ईयरबड स्मार्ट वॉच के जो ऑफर्स आते रहते हैं, मैं रेगुलर बेस पर अपडेट करते रहता हूँ। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।